सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिक्स वेज रायता की रेसिपी। तो गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा रायता तो हम खाना सबको काफ़ी पसंद होता है, तो आज मैं आपको मिक्स वेज रायता बनाना बताऊंगी, वो भी बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा ये। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं मिक्स वेज रायता बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और इसमें खास बात ये है कि आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं। तो मिक्स वेज रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। खीरा काट लिया है मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का, और प्याज भी हम ले लेंगे यहाँ पे, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया। और हरी मिर्च ले लेंगे, मैंने यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्च लिया था। आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 से 2 हरी मिर्च और ले लें। तो मिक्स वेज रायता बनाने के लिए बस हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद मैं ले लूँगी यहाँ पे दही। दही को हम अच्छे से यहाँ पे फेंट लेंगे और फ्रिज में डाल के इसे अच्छे से सबसे पहले हम इसे ठंडा करेंगे। और जैसे ही दही ठंडा हो जाएगा हम इसे बाहर निकाल लेंगे और सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज। तो यहाँ पर हम इसमें प्याज डालेंगे जो हमने काट के रखा था, और प्याज डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर भी लिया था। साथ ही हम इसमें डाल देंगे खीरा, और खीरा डालने के बाद मैं डाल दूंगी यहाँ पे हरी मिर्च। और अब हम सारी चीज़ों को यहाँ पे सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से चलाते हुए। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाले। तो मैं डाल दूंगी भुने हुए जीरे का पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच भुने हुए काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे हम यहाँ पे, और आधा चम्मच मैं डाल दूंगी यहाँ पे चाट मसाला। चाट मसाला आप ज़रूर डालें, इससे रायते में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधा चम्मच हम नमक डाल लेंगे, साथ ही हम इसमें आधा चम्मच काला नमक भी डाल लेंगे। और हमने यहाँ पे रायते में सारी चीज़ें डाल दी हैं, इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं डालना। तो अब हम इसमें मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से हम इसमें मसाले मिक्स कर लेंगे। और सब्जियों को ना आपको बहुत ही बारीक काटना है, अगर आप इसे बारीक ना काट पाएँ तो आप इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी इसमें थोड़े से बूंदी। बूंदी यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से बूंदी डाल दी है। बूंदी डाल देने से रायता हमारा और ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। तो अब हम बूंदी डालने के बाद भी इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रायता बिल्कुल तैयार है। और आपने देखा है इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, हमने इसे फटाफट से बना के तैयार कर लिया। तो आप एक बार इस तरीके से रायता बनाकर ज़रूर ट्राई कर, और जब आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो आप बूंदी का रायता, खीरे का रायता सब भूल जाएंगे, बार बार इसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएँ ये रेसिपी आपको कैसी लगी।